हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ हनी कगार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है सरोजनी नगर हॉल पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले मैं सरोजनी नगर के 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी, ये जो मैंने शॉपिंग की है ये मैंने लॉकडाउन से पहले की थी, तो बीच में हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। अब मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। और एक और चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि ये जो भी मैंने शॉपिंग की है ये मैंने 100 और 200 वाले जो हैंगिंग वाले स्टॉल होते हैं वहाँ से की है, तो उनके कोई शॉप नंबर तो होते नहीं है, लेकिन वो किस शॉप के बाहर थे ये मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दीजिए एक काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने आइटम लिया है वो है ये ब्यूटीफुल सा टॉप। ये चीता प्रिंट टॉप है और इसकी स्लीव्स काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हैं, इसको टॉप की तरह भी पहन सकते हैं। ये मैंने बिग सी के बाहर जो 100 वाले स्टॉल लगता है वहाँ से लिया है। तो नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस खरीदी है, मैंने 2 ड्रेस खरीदी है और ये एक ही स्टॉल से खरीदी है। ये दोनों की दोनों ड्रेस 200 की है और ये जो स्टॉल लगती है वो बाटा शोरूम के बाहर लगती है। तो इनमें से जो पहली ड्रेस है वो है ये प्यारी सी ड्रेस, ये ब्राउन कलर की ड्रेस है, इस पर पिंक कलर के फ्लावर बने हैं। इस पर टाई करने के लिए रिबन भी दिया है, तो आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी ब्रांड का कपड़ा लग रहा है। तो इसकी जो अंदर ऐसे एक और कपड़ा दिया हुआ है, तो जो दूसरी ड्रेस है वो है कुछ इस तरीके की और इस पर वाइट और ब्लू कलर के फ्लावर बने हैं और इसमें भी टाई करने को दिया हुआ है। तो दोनों का कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे ड्रेस चूज़ करने में, क्योंकि भैया के पास बहुत सारी ड्रेसेस थी और सारी की सारी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप ऐसे जाते हैं आगे तो स्टॉल वहीं पे लगती है, 200 की ड्रेसेस वहाँ पे मिलती है, बहुत ही प्यारी ड्रेसेस है। आप जाएँगे अगर वहाँ पर तो आपको उस स्टॉल में जाना चाहिए, बाटा शोरूम के बाहर वो स्टॉल लगता है। तो जो नेक्स्ट ड्रेस है वो 200 की मैंने खरीदी है, ऑनलाइन मैंने इसको 350 या 400 का देखा था। ये है ऑफ वाइट कलर में ब्यूटीफुल सी ड्रेस, इस पर गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हैं और इस पर कुछ इस तरीके के बटन हैं जो ओपन हो सकते हैं और ये बटन नीचे तक है, तो इसको ड्रेस की तरह भी वेयर किया जा सकता है और इसको आप जीन्स या फिर लेगिंग्स जैगिंग्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इस पर जो स्ट्राइप दी है ये एडजस्टेबल है, तो बहुत ही काफ़ी अच्छी ड्रेस है। अब इसमें 2 तरीके की ड्रेस वहाँ पे मिल रही थी, जिसके बटन ओपन हो सकते हैं और जिसके बटन ओपन नहीं हो सकते, तो मैंने ये जो बटन ओपन वाली ड्रेस थी वो ली है। तो ब्यूटीफुल सी ड्रेस है, सिर्फ 200 में, बाटा शोरूम वाली ही लाइन पे जो स्टॉल लगती है वहीं से मैंने खरीदी है। तो जो नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है वो है ये नाइट वेयर, ये 250 का मैंने ख़रीदा है और शॉप नंबर मैं मेंशन कर दूँगी कि कौन सी शॉप के बाहर से मैंने ख़रीदा है। तो ये जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का है, इसमें उनके पास और भी ऑप्शन थे, और भी कलर थे, और भी प्रिंट थे, तो फ्लावर और फ्रूट प्रिंट में उनके पास इसमें ऑप्शन थे। पजामा कुछ इस तरीके का है, तो ये कपड़ा कॉटन नहीं है, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का है, ये वेलवेटी टाइप में है, तो उनके पास ये लास्ट पीस बचा था, तो कॉटन वाला कपड़ा लेने की बजाय मैंने ये वाला लिया। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने वहाँ से ख़रीदा है वो है कुर्ता दुपट्टा प्लाजो सेट। तो जो उसका कुर्ता है वो कुछ इस तरीके का है, इसके नेक पे इस तरीके के बटन हैं और उस पर टेसल्स हैं, इसकी स्लीव्स 3/4 है और इस पर ये डिज़ाइन है। इसमें वहाँ पे बहुत सारे कलर थे, तो मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया ब्लू में, तो ये मैंने ब्लू में लिया है। जो इसका प्लाजो है वो कुछ इस तरीके का है, ये प्रिंटेड है और ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसका जो दुपट्टा है वो चौड़ा तो नहीं है लेकिन 2 मीटर की लेंथ इसकी है, तो पूरा का पूरा जो सूट है 350 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्यारा है। आफ्टर वॉश ये श्रिंक नहीं हो रहा, मैंने वॉश करके देख लिया, तो मेरे पे तो काफ़ी लूज़ है। वैसे भी ये मैंने अपनी भाभी के लिए ख़रीदा है तो उन पे तो ये फिट आ रहा है, वो ट्राई कर चुकी है, तो 350 में ये बहुत ही प्यारी डील है। तो नेक्स्ट मैंने ये 100 रुपीज़ का टॉप ख़रीदा है, इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की बलून स्लीव्स हैं। तो इस टॉप को ख़रीदने में मैं डाउट में थी क्योंकि ये मेरे पे काफ़ी लूज़ था, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, तो कपड़ा बहुत अच्छा था और लूज़ का तो कुछ किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये टॉप ख़रीद लिया। तो सरोजनी नगर में 100 रुपीज़ में पजामा मिल जाते हैं, तो एक पजामा 100 रुपीज़ में मैंने भी ख़रीदा है जो चीता प्रिंट में है और इसका कपड़ा अच्छा है। तो 100 रुपीज़ में इस तरीके के वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं।
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।